हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जोसेफ एडिसन के फेमस एसे मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस एसे में जोसेफ एडिसन ने हमें वेस्टमिंस्टर एबे के बारे में बताया है। ये एक ऐसा चर्च है जहाँ पर बहुत सारे फेमस लोगों को दफनाया गया है, और जोसेफ एडिसन जब इस चर्च में जाते हैं, इस एबे में जाते हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होता है और ज़िंदगी और मौत के बारे में क्या क्या ख्याल उनके मन में आते हैं, इसके बारे में उन्होंने इस एसे में हमें बताया है। अब चलिए हम लोग इस एसे की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये जो एसे है वो एक काफ़ी थॉटफुल रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक सोच है। जोसेफ एडिसन सोच रहे हैं मॉर्टैलिटी के बारे में, यानी कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो अनंत नहीं है, एक ना एक दिन हर इंसान को मर जाना है, इंसान मॉर्टल है। एम्बिशन, लेकिन फिर भी इंसान अपने मन में बहुत सारे एम्बिशंस रखता है जब वो ज़िंदा होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन ये सारी जो क्रियाएं हैं, काम हैं, वो मौत के साथ ख़त्म हो जाते हैं, और यही ह्यूमन का कंडीशन है। एडिसन ऑब्जर्व्स टूमस्टोन्स। तो जब एडिसन इस चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर वो उन टूमस्टोन्स को देखते हैं, यानी कब्र पर जो पत्थर लगाए गए हैं उनको देखते हैं, एपिटैप्स को देखते हैं, यानी जो वर्ड्स उन स्टोन्स पर लिखे हुए हैं उन्हें वो पढ़ते हैं। इसके अलावा वो हड्डियों को पड़े हुए देखते हैं वहाँ पर, और फिर पॉन्डर करते हैं, यानी सोचते हैं कि ज़िंदगी कितनी ट्रांजिएंट है, कितनी टेम्प्ररी है, आज है और कल नहीं है। फ्लीटिंग नेचर ऑफ फेम। इसके अलावा वो फेम के बारे में सोचते हैं, यानी कैसे लोग फेमस होने के लिए भागते रहते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन ये चीज़ काम में नहीं आती। आखिरकार हमें अपने सारी फेम को, हमें अपने ऐशो आराम को, ख्याति को गंवाना होता है, और ये सब टेम्प्ररी है, ऐसा वो कहते हैं। ही फाइंड्स कम्फर्ट इन द रियलाइजेशन दैट एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और अचीवमेंट्स विल इवेंचुअली शेयर द सेम फेट। और जब वो ये सोचते हैं तो उन्हें एक कम्फर्ट महसूस होता है अपने मन में, एक आराम महसूस होता है जब वो रियलाइज़ करते हैं कि कैसे कोई इंसान, राजा हो या भिखारी हो, कोई भी हो, उसका स्टेटस कैसा भी हो, उसने कुछ भी अचीव किया हो लाइफ में, लेकिन सभी का एक ही नसीब होने वाला है और वो है मौत। दिस कंटेम्पलेशन इजेस फीलिंग्स ऑफ एनवी एंड ग्रीफ। और जब वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, तब उनके मन में जो एनवी यानी जेलसी के भाव हैं या ग्रीफ दुख के भाव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि कैसे सभी लोग मौत में एक दूसरे के कंटेम्प्ररीज यानी एक दूसरे के साथी संगी बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, इसीलिए किसी से जेलस होने का या दुख मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन द राइटर एडिसन फील्स इन अ सीरियस मूड ही विजिट्स द वेस्टमिंस्टर एबे। तो जब एडिसन एक सीरियस मूड में होते हैं तब वो वेस्टमिंस्टर एबे जाते हैं, और एबेज सोलेम एंड सीरियस एटमोसफेयर फिल्स हिज माइंड विद एन एग्रीबल फीलिंग ऑफ सैडनेस और सीरियसनेस। जब वो उस एबे के सीरियस एटमोसफेयर को देखते हैं तब उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक सैडनेस और एक सीरियसनेस भर जाती है। तो कल के दिन येस्टरडे जब वो एबे में गए और अपनी पूरी दोपहर जब उन्होंने एबे में गुजारी, तब वो अपने आप का मनोरंजन कर रहे थे। ही वॉज अम्यूजिंग हिमसेल्फ, यानी वो उन टूम्स को यानी उन कब्रों को और उन पर लिखे गए जो एपिटैप्स थे यानी जो वर्ड्स थे टूम स्टोन्स पर, उनको पढ़ पढ़ कर वो अपने आप को अम्यूज कर रहे थे, अपने आप का मनोरंजन कर रहे थे। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस गेव नो फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेड पर्सन एक्सेप्ट that they were born and that they died on certain dates. तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर inscriptions यानी ज़्यादातर words जो उन tombs पे लिखे हुए हैं उनमें से हमें ज़्यादा information नहीं मिलती, सिर्फ इतनी ही information मिलती है उस मरे हुए इंसान के बारे में कि वो कब पैदा हुआ था और कब मरा, यानी बस डेट्स लिखी हुई थी उसकी बर्थ और डेथ की। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे epitaphs भी देखे, ऐसे stones भी देखे जिनमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थे, यानी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी गई थी मरे हुए इंसान की कि अगर वो इंसान उन शब्दों को पढ़ता, अगर वो मरा हुआ इंसान फिर से ज़िंदा हो जाए और अगर वो पढ़ता तो उसे भी शर्म आ जाती, वो भी ब्लश कर जाता। देर वर सम ग्रेव्स विदाउट मोन्यूमेंट्स एंड देर वर सम मोन्यूमेंट्स विदाउट बॉडीज बरीड अंडर देम। तो एडिसन हमें बताते हैं कि कैसे बहुत सारी कब्रें ऐसी थी
जिनमें कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, यानी उनके ऊपर कोई पत्थर नहीं लगा हुआ था, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यानी मूर्तियां या पत्थर ऐसे थे जिनके अंदर कोई बॉडीज गड़ी हुई नहीं थी। तो ये मॉन्यूमेंट जहाँ पे कोई बॉडीज नहीं थी वो उनकी मेमोरी में उधर लगे हुए थे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे लोग जो कहीं और मरे थे उनकी याद में उन स्टोन्स को या उन मूर्तियों को मॉन्यूमेंट्स को वहां लगाया गया था। द मॉडर्न एपिटाफ्स वेर एलिगेंटली फ्रेज्ड एंड एक्सप्रेस्ड जस्ट थॉट्स। तो जो मॉडर्न एपिटाफ्स थे यानी कि मॉडर्न जमाने के जो एपिटाफ्स थे, वो स्टोन्स थे जिन पर वर्ड्स लिखे हुए थे, वो काफी एलिगेंटली फ्रेज थे, बहुत अच्छे तरीके से लाइंस को लिखा गया था। एपिटाफ्स एंड मॉन्यूमेंट शुड बी मेड केयरफुली बिकॉज दीज वेर द थिंग्स बाय विच अ फॉरेन विजिटर टू द कंट्री फॉर्म्स एन ओपिनियन अबाउट द कल्चर ऑफ द कंट्री ही विजिट्स। तो एडिसन कहते हैं कि ये जब हम लोग ये मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, ये मूर्तियों को बनाते हैं जब हम, तब हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई फॉरेन विजिटर देश में आएगा तो जिस कंट्री में वो आया है उन मॉन्यूमेंट्स के जरिए ही उस कंट्री के कल्चर को जान सकता है। एपिटाफ्स एंड मॉन्यूमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द पर्सन होम दे कमेमोरेट। तो एडिसन कहते हैं कि ये जो एपिटाफ्स हैं और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी जिस इंसान के लिए हैं, जिस इंसान को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसके हिसाब का वो मॉन्यूमेंट होना चाहिए। द टेक्स्ट ऑफ एपिटाफ शुड बी सबमिटेड टू द स्क्रूटनी ऑफ लर्न्ड मैन ऑफ जीनियस बिफोर दे आर यूज्ड ऑन द टूम्स। और जो कुछ भी हम लोग लिखने वाले हैं टूम स्टोन पे, जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं, वो हमें जीनियस लोगों से यानी पढ़े लिखे लर्न्ड लोगों से स्क्रूटनाइज कराना चाहिए, चेक करवाना चाहिए टूम्स पे लिखने के पहले। द इंग्लिश कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द डच हु हैड अ बेटर टेस्ट फॉर एंटिक्विटी एंड कल्चर इन देयर बिल्डिंग्स। तो एडिसन कहते हैं कि इंग्लिश लोगों को डच लोगों से यानी हॉलैंड के लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कल्चर को बचा कर रखते थे। उनके बिल्डिंग्स में ये देखने को मिलता है, उनका कल्चर देखने को मिलता है। मॉन्यूमेंट शुड सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ द डेड पर्सन एंड नॉट मेरली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डेथ। तो जो मॉन्यूमेंट है वो उस मरे हुए इंसान के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए होना चाहिए, ना केवल ये बताने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुई। ही फेल्ट दैट द मॉन्यूमेंट इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ द ग्रेट इंग्लिश एडमिरल सर क्लाउडेसली शोवेल डिड नॉट डू जस्टिस टू द ब्रेव मैन। तो वो कहते हैं कि वो मॉन्यूमेंट जो इंग्लिश एडमिरल सर क्लाउडेसली शोवेल के लिए बनाया गया है, वो मूर्ति, वो उस ब्रेव मैन यानी इतने ज़्यादा वो करेजियस आदमी थे, हिम्मत वाले आदमी थे, लेकिन फिर भी उनकी याद में जो मॉन्यूमेंट खड़ा किया गया है वो जरा भी जस्टिस नहीं करता है, ऐसा वो कह रहे हैं। लुकिंग एट द टूम्स ऑफ द ग्रेट एंड रीडिंग देयर एपिटाफ्स हैज अ चास्टनिंग एंड प्यूरिफाइंग इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ एडिसन। तो इस तरह के ग्रेट लोगों की कब्रों को देखने के बाद, उन पे लिखे गए वर्ड्स को पढ़ने के बाद एडिसन का दिमाग एकदम शुद्ध हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, चैस्टनिंग हो जाती है। ही इज नॉट अ टिमिड और वीक माइंडेड पर्सन हु बिगिंस टू फील ग्लूमी एंड मेलैंकोली एट द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो वो एक डरपोक इंसान नहीं है, टिमिड यानी डरपोक, या वीक माइंडेड नहीं है जिन्हें बस मौत का ख्याल आते ही ग्लूमी या सैड महसूस होने लगे। ही इज एबल टू अप्रिशिएट नेचर इन अ डिलाइटफुल एज वेल एज हर सोलेम एस्पेक्ट्स। तो वो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, फिर चाहे नेचर का वो सोलेम यानी दुख भरा पार्ट ही क्यों ना हो, यानी मौत एक दुख भरा पार्ट है, लेकिन फिर भी वो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं उसके दुख भरे पार्ट्स के लिए भी। ही फील्स कंपैशन व्हेन ही रीड्स अ टूमस्टोन एक्सप्रेसिंग द ग्रीफ ऑफ द पेरेंट्स, बट ही सीज द फ्यूटिलिटी ऑफ सच ग्रीफ व्हेन ही सीज द टूम्स ऑफ द पेरेंट्स देमसेल्व्स। तो उन्हें बहुत ही एक प्यार महसूस होता है, कंपैशन महसूस होता है जब वो एक टूमस्टोन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये जो भी इंसान था उसके पेरेंट्स को कितना दुख हुआ होगा जब वो इंसान मरा, लेकिन जब वो देखते हैं कि उन पेरेंट्स के भी उधर ही टूम्स मौजूद हैं यानी पेरेंट्स भी मर गए, तो वो समझते हैं कि ये एकदम फ्यूटाइल है, यानी कि ये सोचना कि अरे ये इंसान मर गया, ये सोचना एकदम बेकार है, क्योंकि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। जैसे वो इंसान मरा वैसे उसके पेरेंट्स भी मर गए। ही रियलाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ द वेनिटीज एंड कॉन्ट्रोवर्सीज एंड राइवलरीज ऑफ लाइफ। उसके बाद फिर वो
सोचते हैं कि हम लोग जिंदगी में क्या क्या गलतियां करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज करते हैं, दुश्मनियां यानी कि राइवलरीज करते हैं, दुश्मनी करते हैं लोगों से, लेकिन ये सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेथ सबको लेवल करने वाली है, एक समान करने वाली है, क्योंकि मौत सभी को आने वाली है, ऐसा वो कहते हैं। मोर्टैलिटी इज कॉमन टू ऑल वेदर दे बी ब्यूटिफुल रिच और ग्रेट और अगली एंड डिफॉर्म। तो ये जो मोर्टैलिटी है यानी कि ये जो मौत है वो सभी को आने वाली है, फिर चाहे वो सुंदर हो, अमीर हो, बदसूरत हो, डिफॉर्म्ड हो, कैसा भी हो। पीपल हु डाइड लॉन्ग अगो लाई साइड बाई साइड विद पीपल हु डाइड ओनली येस्टरडे। तो जो लोग बहुत पहले मरे थे वो लोग उनके साथ यहाँ पर लेटे हुए हैं जो कल ही मरे हैं। तो मरना हर किसी को है, बस सभी का टाइम अलग अलग है। इट विल बी ऑन डूम्स डे दैट ऑल दीज पीपल विल राइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स टू फेस गॉड। तो एडिसन कहते हैं कि डूम्स डे जब कयामत का दिन आएगा तब ये सभी लोग अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और भगवान को फेस करेंगे और एक दूसरे के साथ ही बन जाएंगे। द विजिट टू द एबे टीचेस हिम टू लीव एनवी एंड इनऑर्डिनेट डिजायर एज दे आर इन रियलिटी ऑफ नो यूज। तो इस तरीके से जब जोसेफ एडिसन उस वेस्टमिंस्टर एबे में जाते हैं तो वहां से बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे उन्हें जो अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जैसे किसी से जेलस होना, जलना या अपने अंदर डिजायर्स रखना, ये सब कोई काम का नहीं है, किसी भी यूज का नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन मौत सभी को आनी है। सो आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।